वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है और महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियो होने वाली है। स्टार्टिंग के VFX क्लिप में आपने देखा वो ये एपिसोड में सिखाने वाला हूँ, और वीडियो को शूट कैसे करना है, कौन सी जगह पे एक्टिंग करनी और VFX एडिटिंग कैसे करनी, सब कुछ आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आखिर तक देखते रहना। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत से वीडियो बना के रखे, सिनेमैटिक वीडियोग्राफी, ग्रीन स्क्रीन वीडियोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, स्लो मोशन ट्यूटोरियल, सिनेमेटोग्राफी और बहुत से मोबाइल वीडियोग्राफी हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना के रखे, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार वीडियो बनने से पहले सभी के माइंड में 3 क्वेश्चन जरूर से आएंगे। पहला, वीडियो को शूट कौन सी जगह पे करना है। दूसरा, वीडियो में एक्टिंग क्या करनी है। और तीसरा, वीडियो का सॉन्ग कहाँ से लाना है। दोस्तों वीडियो को शूट करने के लिए सबसे पहले हमें कोई ऐसा कैमरा एंगल ढूंढ लेना है जहाँ से आप शूट करो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्काई दिखे आपके वीडियो में। दूसरा, एक्टिंग की बात की जाए तो अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो VFX एडिटिंग में आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन ये म्यूजिक पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूजिक लेते हो और आपको कैसी एक्टिंग करनी है वीडियो में। तो दोस्तों अब बारी आती है कि वीडियो को कौन सी जगह पे शूट करना है। तो यार ये कोई डेडिकेटेड जगह नहीं बताने वाला, आप कोई भी जगह पे शूट कर सकते हो, लेकिन आपको कैमरा एंगल ऐसा रखना है कि स्काई ज्यादा से ज्यादा वीडियो में आए और आप इजीली VFX एडिटिंग कर पाओ। तो दोस्तों अब बारी आती है VFX एडिटिंग कैसे करना है। दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो ना तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको। और दोस्तों हो सके तो एक छोटा सा कमेंट भी कर देना, ताकि आपके कमेंट में दिए गए टॉपिक को लेके हम अलग से वीडियो भी बना सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के VFX एडिटिंग सीख लेते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर के डैशबोर्ड में। हमें यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और कोई भी एक रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका वीडियो लैंडस्केप में है तो 16:9 का सिलेक्ट कर लेना है, अगर पोर्ट्रेट मोड में है तो 9:16 का ले लेना है। फिर दोस्तों हमें मीडिया में जाके अपना वीडियो इम्पोर्ट कर लेना है टाइमलाइन पे और वीडियो का वॉल्यूम म्यूट कर देना है। फिर हमें बोलना है कि जो भी इमेज डालनी है VFX में उसको सिलेक्ट कर लेना है, लेयर पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है, और जो भी इमेज आपको VFX में चाहिए उसको सिलेक्ट करके इम्पोर्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी भोलेनाथ की इमेज डाउनलोड करके रखी, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और हमें इमेज को परफेक्टली एडजस्ट कर लेना है, फिर उसकी अपॉर्चुनिटी को 0% कर देना है। फिर दोस्तों हमें वीडियो पे क्लिक करना है और उसका कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है और ब्राइटनेस और सेचुरेशन को अपने वीडियो के हिसाब से सेट कर देना है। इतना हो जाने के बाद हमें लेयर इमेज को सिलेक्ट करना है और उसकी अपॉर्चुनिटी 100% कर देनी है। फिर हमें उसके ब्लेंडिंग मोड में जाना है और उसको मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है। फिर हमें भोलेनाथ के इमेज को एडजस्ट कर लेना है और टाइमलाइन के वीडियो को वो जगह पे ले जाना है जहाँ पे हमें दूसरा इमेज इंपोर्ट करना है। इमेज इंपोर्ट करने से पहले हमें यहाँ पे स्प्लिट कर देना है इस वीडियो को, और स्प्लिट हो जाने के बाद स्पीड एडजस्ट कर लेनी। फिर दोस्तों स्प्लिट किए गए वीडियो को पूरा स्लो कर दूंगा और लेयर में जो इमेज है उसको पूरा जहाँ तक वीडियो है वहाँ तक स्ट्रेच कर दूंगा। तो अब यहाँ पे मुझे दूसरा इमेज डालना है भोलेनाथ का, तो लेयर पे क्लिक कर लेना है और मीडिया पे क्लिक कर लेना है और दूसरा एक इमेज ले आना है भोलेनाथ का जहाँ पे हमें VFX ऐड करना है। इमेज इंपोर्ट हो जाने के बाद उसके क्रॉपिंग पे क्लिक कर लेना है, मास्किंग अनेबल कर देना है और उसका फीडर 50% कर देना है। लेयर इमेज को परफेक्टली एडजस्ट कर देना है, फिर उसके ब्लेंडिंग मोड में जाना है और ओवरले कर देना है। अगर आपके वीडियो में ओवरले अच्छा नहीं दिख रहा तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इस इमेज को भी टाइमलाइन में परफेक्टली स्ट्रेच कर देना है। फिर हमें मीडिया में जाना है और कोई भी एक वीडियो ले लेना है जिसका हमें सॉन्ग चाहिए। वीडियो इंपोर्ट हो जाने के बाद सिलेक्ट करना है वीडियो को और स्क्रोल डाउन करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे इस वीडियो का ऑडियो आपको मिल जाएगा और उस वीडियो को डिलीट कर देना है, फिर आपका ऑडियो आपके टाइमलाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना ऑडियो उतना रख देना है और बाकी का सब कुछ स्प्लिट कर देना है। तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है और आपकी वीडियो एडिटिंग भी कंप्लीट हो जाती है और आपको साउंड भी मिल जाता है। तो आप इसी तरह साउंड को भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि साउंड कहाँ से लाना है, तो आप कुछ इसी तरह के साउंड डाल सकते हो, कोई भी वीडियो का साउंड आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यार ऑडियो को परफेक्टली एडजस्ट कर देना अपने वीडियो के हिसाब से। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद शेयर पे क्लिक कर लेना है और एकदम हाई क्वालिटी रखनी है और बिट रेट को फुल करके हमें वीडियो को सेव कर लेना है। और दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिखाए गए एपिसोड को अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से वो एपिसोड को देखो। और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।